आज का हमारा टॉपिक है गोविंद बारिक में जो फार्माकोलॉजी वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं हम, उसमें 316 पेज नंबर पे, 316 पेज नंबर पे है। यहाँ पे एडवर्स इफेक्ट बताए गए हैं किसके, इससे पहले हमने पढ़ा था एंटी फंगल ड्रग कौन कौन सी हैं, अब उनके जो है वो एडवर्स इफेक्ट कुछ। तो इसमें जो सेकेंड है कीटोकोनाजोल, उसमें हाईलाइट करना गायनेकोमेस्ट्रिया, लॉस ऑफ हेयर, लिबिडो और ओलिगोजूस्परमिया, दीज आर द एडवर्स इफेक्ट ऑफ कीटोकोनाजोल। हाईलाइट किया आपने कीटोकोनाजोल के एडवर्स इफेक्ट को, हाईलाइट कर लीजिए सभी को। नेक्स्ट हमारी ड्रग है एंटीवायरल ड्रग, एंटीवायरल ड्रग हेडिंग में जो थर्ड है ए साइक्लोविर को आपने हाईलाइट किया, जिडोविडिन है, नेक्स्ट लाइन में रिटोनाविर को हाईलाइट किया और लास्ट है हमारे इंटरफेरोन अल्फा। ठीक है, तो ये क्या है एंटीवायरल ड्रग है। नेक्स्ट है एंटी मलेरियल ड्रग, तो इसमें क्लोरोक्विन को हाईलाइट किया आपने, क्लोरोक्विन, और लास्ट की तरफ देखिए क्विनिन को हाईलाइट करना, क्विनिन। नेक्स्ट लाइन में जो लास्ट की दो लिखी हैं सल्फाडॉक्सिन और डेप्सोन, सल्फाडॉक्सिन डेप्सोन। थर्ड लाइन में हमारा टेट्रासाइक्लिन, आर्टिसुनेट और आर्टिमिथर को हाईलाइट किया आपने, आर्टिमिथर और आर्टिसुनेट, ये भी क्या है एंटी मलेरियल ड्रग हैं। तो जो हम एक बार रिपीट कर रहे हैं उनको ध्यान में रखना है आपने, वो एंटी मलेरियल हैं, क्लोरोक्विन है, क्विनिन है, सल्फाडॉक्सिन, डेप्सोन, आर्टिसुनेट और आर्टी इथर, सॉरी आर्टिमिथर। नेक्स्ट है एंटी इमेबिक ड्रग, एंटी इमेबिक ड्रग में फर्स्ट जो दो है उनको हाईलाइट करना, मेट्रोनिडाजोल और टिनिडाजोल, मेट्रोनिडाजोल और टिनिडाजोल को आपने हाईलाइट किया। एक पॉइंट छोड़ के देखिए लिखा है मेट्रोनिडाजोल इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन न्यूरोलॉजिकल डिजीज एंड इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में और न्यूरोलॉजिकल अगर कोई डिसऑर्डर है तो मेट्रोनिडाजोल कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है उसमें। 317 317 पेज नंबर पे हाईलाइट करना, मेबेंडाजोल इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, मेबेंडाजोल भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। देन है एंटी कैंसरस ड्रग, एंटी कैंसरस ड्रग में जो सेकेंड लाइन लिखी हुई है ना, डी कार्बामिजिन, मैथोट्रिक्जेट को हाईलाइट करना है इनमें से, मैथोट्रिक्जेट, ये जो डिमार्ट्स होते हैं हमारे डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक जो ड्रग हैं उनमें मैथोट्रिक्जेट जो है वो भी आता है, तो एंटी कैंसरस भी है ये मैथोट्रिक्जेट। नेक्स्ट एक पॉइंट छोड़ के मेन चिलेटिंग एजेंट्स लिखे हुए हैं, तो इसमें इसके बाद देखना पेलिग्रा लिखा हुआ है, 3D डिजीज बोलते हैं पेलिग्रा को हाईलाइट करना, बट आर 3Ds मीन्स डर्मेटाइटिस, डायरिया एंड डिमेंशिया आपने हाईलाइट किया, डर्मेटाइटिस, डायरिया और डिमेंशिया, 3D बोलते हैं पेलिग्रा को। आफ्टर दैट यहाँ पे लिखा है मेन डोजेज, डोज क्या क्या है, तो इसमें सेकेंड डोज जो हाइसिन की लिखी है वो हाईलाइट कर लेना, हाइसिन की डोज आपको पता हो 20-40 mg ओरल। फिर एट्रोपिन है, डाइसाइक्लोमिन है, एड्रिनलिन, ये सब इतना नहीं पूछा जाता है डिटेल में। नेक्स्ट आइए आप पेज नंबर 319, सॉरी 318 पेज नंबर पे, एक बार 318 पेज नंबर पे सेवंथ पॉइंट है हमारा इंसुलिन की डोज, सेवंथ पॉइंट इंसुलिन डोज यहाँ पे लिखा हुआ है 318 पेज नंबर पे। IDDM इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस है तो 0.5 to 0.8 पर kg पर डे, यानी वेट के हिसाब से डोज डिसाइड होगी। और जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस है, मतलब अगर कंट्रोल नहीं होता है, जो आप ओरल सल्फोनील यूरियाज दे रहे हो या नॉन सल्फोनील यूरियाज दे रहे हो, जो ओरल मेडिकेशन है उनसे नहीं हो रहा है, तो इंसुलिन भी दिया जाता है NIDDM में, वो कितना देते हैं 0.2 to 1.6 पर kg पर डे के हिसाब से। ठीक है, तो ये आपने बस इंसुलिन की डोज को थोड़ा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है 319 पेज नंबर पे, 319 पेज नंबर पे एंटी ट्यूबरकुलर जो ड्रग है इनकी डोज आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट इज आइसोनियाजिड, इसकी है हमारी 300 mg, रिफेम्पिसिन की 600 mg, पायराजिनामाइड की 1500 mg, थेम्बिटॉल 1000 mg और स्ट्रेप्टोमाइसिन 100 mg। ठीक है, फिर है एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी के बारे में, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ ATT, एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी जो आप देते हो उसकी मिनिमम 6 महीने तो आपको पेशेंट को जो है वो मेडिकेशन देनी पड़ती है, तो 6th मंथ आपने हाईलाइट किया, इट इज द मिनिमम ड्यूरेशन फॉर ATT।
हिपेटोटॉक्सिक तो सारी ड्रग ही हैं, कल हमने बात की थी, मोस्टली जो है वो पायराज़िनामाइड सबसे ज्यादा हिपेटोटॉक्सिक है, और सबके क्या क्या एडवर्स इफेक्ट हैं वो भी हमने डिस्कस किए थे। नेक्स्ट आइए आप 320 पेज नंबर पे, 320 पेज नंबर पे, यहाँ पे लेप्रोसी ट्रीटमेंट लिखा है 24 मंथ्स का, हेडिंग है एक डार्क करके हाईलाइट करके जो लिखा हुआ है, लेप्रोसी ट्रीटमेंट फॉर 24 मंथ्स। तो उसमें रिफैम्पिसिन हम देते हैं 600 mg का, डेप्सोन देते हैं 100 mg, और क्लोफाजिमिन देते हैं 300 mg वंस अ मंथ। नेक्स्ट आता है यहाँ पे सम, इसके बाद एक हेडिंग है द ड्रग विच आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग लैक्टेशन, या फिर जो मदर मिल्क है उसमें कुछ इफेक्ट लाने वाली होती है वो ड्रग, जैसे एंड्रोजन्स हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें फिफ्थ पॉइंट देखना, क्लोरमफेनिकॉल, ये भी नहीं देते हैं हम लैक्टेशन के टाइम पे। क्या करता है, बोन मैरो डिप्रेशन या फिर ग्रे बेबी सिंड्रोम, इसका हमने पढ़ा था। यहाँ नेक्स्ट हेडिंग है हमारी सम फिक्स डोज कॉम्बिनेशन शुड नॉट बी गिवन टुगेदर। फर्स्ट है इसमें टेट्रासाइक्लिन विद विटामिन सी, इसके साथ नहीं देना चाहिए। एंटी ट्यूबरकुलर जो ड्रग हैं विद विटामिन्स, उनको विटामिन्स के साथ नहीं देना चाहिए। उसमें से एक एक्सेप्शन है कि जब आइसोनियाजिड आप देते हो तब पायरेडॉक्सिन चलती है पेशेंट की, हमने बताया था, तो ये एक्सेप्शन है, बाकी और कोई विटामिन नहीं देते आप। एनल्जेसिक की एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग भी विटामिन के साथ नहीं देते, एट्रोपिन विद एनल्जेसिक नहीं देते हैं। एक पॉइंट छोड़ के लिखा है एंटी हिस्टामिनिक जो भी हैं उनको एंटी डायरियल ड्रग के साथ नहीं देते हैं। और लास्ट है ब्रोंकोडायलेटर्स हैं जो विद सेंट्रली एक्टिंग एंटी टसिव हैं या एंटी हिस्टामिनिक, उनको उनको उसके साथ नहीं दिया जाता है। तो ये 320 पेज नंबर तक हमारा जो है वो कंप्लीट होता है फार्माकोलॉजी वाला पार्ट।